100 के ट्रंकिंग में एंड कैप कैसे बनाते हैं, 100 बाई 100 का हो या 50 बाई 50 का हो। मार्किंग बस थोड़ा सा फर्क होता है, 100 बाई 100 का इसमें बनाएंगे और अगर आप 50 बाई 50 का बनाते हैं तो आपको 5 सेंटी लेना होता है और 100 बाई 100 का लेते हैं तो आपको 10 सेंटी लेना होता है। तो इसमें आपको बताएंगे 100 बाई 100 एमएम में ट्रंकिंग में एंड कैप दोनों तरफ से बंद करके, और इसको बहुत सी जगह लगाया जाता है, इसको डीबीम भी लगाया जाता है, पैनल होता है उस पर भी लगाया जाता है। उसे लगाने से ये होता है हमारा जितना भी पाइप होता है उसमें लाके मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट ट्रंकिंग भी जोड़ सकता हूँ। तो इसमें 100 बाई 100 का है, इसके लिए हम इसमें 10 सेंटी का मार्किंग करेंगे, मतलब 10 बाई 10 का है तो हम 10 सेंटी ही मार्किंग करेंगे। हम जो लास्ट में मार्किंग करेंगे कैसे करेंगे, कटिंग करेंगे और इसको बना के आपको पूरा रेडी करके दिखाएंगे। बस वीडियो पे बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इधर मार दो बस। आइए सीखते हैं एंड कप बनाना, वो कैसे बनता है। बस मार्किंग फॉलो करना, बहुत आसान है बनाना। कितना कितना सेंटी रखना है वो भी आपको बताएंगे। ये जो हमारा ये साइड जो है ये इधर से बंद करेंगे, ये जो हमारा सीधा इधर भी बंद करेंगे और इधर भी एंड कप इसको बोलते हैं, और कहाँ पे फिट होता है वो भी आपको दिखाएंगे। नापो ही कितना सेंटी, या 100 बाई 100 का ट्रंकिंग है, इसमें 10 सेंटी हम छोड़ेंगे इधर और बीच में हमको चाहिए 38 सेंटी, तो मैं लिया 48। ओके, क्योंकि ये 10 सेंटी कम हो जाए, इधर का 10 सेंटी कम हो जाएगा ये अंदर जाएगा तो। ओके चलिए आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 38 सेंटी और फिर इधर से हम 10 सेंटी लिए हैं। ओके, और इधर मैं 3 सेंटी और इधर भी 3 सेंटी, ये दो साइड लिया जाता है देख सकते हैं। ये सीधा हमारा ये है ट्रे, और मैं इधर मार्किंग करने के बाद पीछे साइड कटिंग उटिंग नहीं होगा, पीछे साइड प्लेन है, और मैं इधर भी सेम मार्किंग करेंगे, फिर आपको कटिंग करके पूरा कहाँ फिट करते हैं वो भी आपको सब करके आपको दिखाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। ये एंड कप डीबी के ऊपर भी लगता है, डीबी के नीचे भी लगता है, पैनल में लगता है, बहुत सा जगह ये नीचे साइड होगा, इधर इस तरह से, इधर भी सेम मार्किंग 10 सेंटी में उधर छोड़ा है, बीच में 38 सेंटी रखा है, उधर 10 सेंटी और इधर भी 10 सेंटी रखा है। यहाँ से कटिंग होगी, ये ट्रे बाहर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं इसी तरीके से फिर मार्किंग फॉलो करेंगे तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। और बनने के बाद ये किस टाइप का लगेगा वो भी आपको पूरा दिखाएंगे इसी वीडियो में, बस वीडियो पे बने रहें तभी आप सीख पाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा क्रॉस मारना है दोनों साइड, कटिंग होने के बाद ये कैसा फील होगा वो भी आपको दिखाएंगे। ग्राइंडर से काटें, हाथ से काटें, एक सा फ्रेम से, वो अपनी मर्जी है। ओके, इस तरह से इसका मार्किंग होता है। बस मार्किंग हो गया हमारा दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड, पीछे साइड मार्किंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम मार्किंग कर लेंगे इसको, जहाँ से कटिंग करना है तो मैं पीछे मार्किंग कर लेंगे काटने के लिए। ओके, फिर कटिंग करके ये देख सकते हैं, ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह है, ये पीछे का साइड है जो नीचे का है, और ये एक साइड दाहिना साइड है, एक बायां साइड। ओके, लेफ्ट राइट, ये हमारा 10 सेंटी है, ये इसको मोड़ के अंदर करेंगे और नट बोल्ट लगाएंगे, देख सकते हैं इसी तरीके से इसका कटिंग होता है। ये देख सकते हैं ये 3 सेंटी है और ये 10 सेंटी है, यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटी इसलिए क्योंकि ये 10 ये वाला मोटा इसका 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, इसलिए इसको 100 बाई 100 बोलते हैं, 100 mm हो गया और सेंटी में लेंगे तो 10 सेंटी। ओके, तो ये 10 सेंटी है, ये कपलर बन चुका है, अब ये कपलर को हम मोड़ सकते हैं जैसे चाहेंगे, वैसे आराम से, बहुत आराम से ये ऊपर को आ जाएगा। ओके, फिर आपको मोड़ते हैं, हॉल मारते हैं, फिर आपको रेडी करके दिखाएंगे कहाँ पर फिट होगा।
तरह से फिट किया जाता है इसको, पाइप डाल के। पाइप भी इसमें ड्रॉप करने में इजी होता है, इसके लिए इसको इस तरह से फिट करते हैं पैनल के नीचे, और इधर से पैनल के अंदर वायर जा सकता है। ये देख सकते हैं हॉल मारा हुआ है, बूस लगा के इसको टाइट कर दिया है। ये पैनल में वायर जाने में भी इजी होगा, इसी के लिए इसको पाइपिंग इस तरह से करते हैं इसमें, और ट्रंकिंग इस तरह से फिट करते हैं। ओके।